हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डे टू डे स्मार्ट कुकिंग। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी की यूनिक स्टाइल में सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही सिंपल वे में। इसके लिए बस हमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक लौकी लिया, इसे मैंने अच्छे से छील लिया, इसे मैंने 4 पीसेस में कट किया है। तो चलिए इसके लिए पूरे इंग्रेडिएंट्स को हम पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, मैंने इसे चॉप कट कर लिया है। आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया है, इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है। 3 से 4 कुछ हरी मिर्च की ज़रूरत है। और मैंने यहाँ पे जो चना दाल लिया है, इसे मैंने करीब 10-15 मिनट तक भिगो के रखा था, ये फूल चुकी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई जो कि गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालना है सरसों का तेल या रिफाइन का तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों का तेल से आप बनाएं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा गाइस। तो देखिए, यहाँ के तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें डाल देना है तेज़पत्ता, और अब हम इसमें डालेंगे पचफोरन, जो कि बहुत इससे पचफोरन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा गाइस। तो आप इसे ज़रूर डालें, इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले स्लाइस कटे हुए अनियन को, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी जो छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किया था आलू को, उसे मैं डाल दूंगी। और दोनों को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। ये बहुत ही गाइस इजी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए। और ये रेसिपी आपको सच यकीन मानिए कि आप इसे जब बनाओगे और खाओगे इस तरीके से, तो आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन, हल्का सा बस फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। सो गाइस, देख सकते हैं ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस हमें इतना ही इसे हल्का सा फ्राई करना था। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च को, इसे भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप कटे कट किए हुए लौकी को, और मैं इसे इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स मैच कर लूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच हल्दी पाउडर। सो गाइज, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इस तरीके से आप लौकी की सब्जी यकीन मानिए बनाइए और खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैं हल्दी को डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसे मैंने हल्दी को डाल के 2 मिनट तक भुना है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने चना दाल को भिगो के रखा था, उसे मैं अब डाल दूंगी, और चना दाल को भी इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब गाइस, मैं इसे 10 मिनट तक ढक के पकाना है। इसे देखिए, मैंने 10 मिनट तक इसे ढक के पकाया है। बीच में आप एक दो बार चला ले, देखिए पूरी तरह से कंप्लीट है। अब लास्ट में हमें इसे नमक डालना है। अगर हम पहले ही नमक डाल देंगे तो इससे पानी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, तो इसे हमें सूखा बनाना है। इसलिए आप लास्ट में इसमें नमक डालें, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, और हम इसे बस 5 मिनट तक कुक करना है। देखिए, मैंने इसे 5 मिनट तक और ढक के पकाया है। देखिए, पूरी तरह से इसका पानी अब्जॉर्ब हो गया है इसमें। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी भी है गाइस, लौकी की सब्जी। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। सो गाइस, इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।